पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सर्व समाज आप सबकी रसोई द्वारा गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। दिल्ली रोड स्थित रेड कारपेट बैंकेट हॉल में सर्व समाज आप सबकी रसोई के स्थापना दिवस और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में जरूरतमंद एवं असहाय लोगों को गर्म कपड़ों की किट और रजाई का वितरण किया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कमल गोला ने बताया कि ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर रसोई लगाकर जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन वितरण, रक्तदान, कच्चा राशन वितरण और सामाजिक कार्य किए जाते रहते हैं। आज के आयोजन में ट्रस्ट के महासचिव रवि यदुवंशी ने अपनी कविता के द्वारा ट्रस्ट की संस्थापिका और अध्यक्ष स्वर्गीय ऋतु विश्नोई को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आयोजन में मुख्य अतिथि विमल वर्मा, अपर जिला जज और विदेश राज शर्मा, वरिष्ठ अधीक्षक कारागार मुरादाबाद के साथ साथ विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुषमा राठी, डॉक्टर नवदीप यादव, धीरशान दास, प्रदीप वाष्णे, ठाकुर राहुल सिंह, पंकज सक्सेना, मिली सिक्का अमिता, मुरादाबाद नगर के अनेकों गणमान्य नागरिक और अनेकों सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। रवि यदुवंशी सर्व समाज आप सबकी रसोई से संस्थापक में महासचिव। जैसा कि आज 26 जनवरी है, पहले सभी महानगरवासियों देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि सर्व समाज आप सबकी रसोई हर वर्ष की भांति गर्म कपड़ों का वितरण करती है और कुछ कारणवश तो अभी सभी लोगों को पता है कि हम नहीं बांट पाए, वह आज कार्यक्रम चल रहा है और आज ही हमारा अपना दिवस है संस्था का। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने जरूरतमंद लोगों को एक गर्म कपड़े की किट बनाकर, जिसमें डबल बेड का कंबल है और डबल साइड की जैकेट है, कैप है, मोजे है, रजाई है, ये सारे किट बनाकर हम लोगों जरूरतमंद लोगों को बांटा है। उनके घर जा जाकर देख कर उनको कूपन वितरित किए गए थे और आज वह सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि हम उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि यह सहयोग भी सभी महानगर वासियों का और सारे रसोई परिवार के सदस्यों का है। और आज हम लोगों ने यहाँ पर 250 किट और 700 रजाइयाँ अलग से थी, जो हमारे द्वार पर आ जाए वो वापस आ जाए उनके लिए बनाई थी। तो यह वितरण हमारा कार्यक्रम चल रहा है। क्या संदेश दिया सर? अभी पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।